हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं क्रिएट करने वाली हूँ ये रेड लिप्स एंड सल्ट्री मेकअप आई लुक। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड आप इस मेकअप को ईद मेकअप में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बस आपको आउटफिट चेंज करना है, बाकी मेकअप आपका एट इट इज रहेगा। सो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैंने अपने आईब्रोज को फिल किया था। तो आईब्रोज फिल करने के लिए आप कोई सा भी आई शेडो यूज़ कर सकते हो, डार्क कलर का, ब्राउन और ब्लैक में से, जो अपने आपके आईब्रो से मिलता जुलता हो। सो मैंने यहाँ पर ब्लैक और ब्राउन दोनों को मिक्स करके शेड को अपने आईब्रोज को फिल किया है। सो इसके लिए आपको एक एंगुलर ब्रश की हेल्प चाहिए होगी, और उसमें स्पूली भी हो या अलग से आप ख़रीद सकते हो। अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लगता है तो आप एक आईब्रो पेंसिल से भी अपने आईब्रोज को फिल कर सकते हो। देन उसके बाद मैंने अपने आईब्रोज को यहाँ पर शार्प और क्लीन किया है एक कंसीलर की हेल्प से, जैसे कि आप देख सकते हो। आपको ब्रश पे लेना है, देन अपने आईब्रोज को क्लीन कर लेना है। देन उसके बाद मैं उसे सेट भी कर लूँगी ताकि कोई भी क्रीजिंग ना हो। देन उसके बाद आईलिड पे भी आपको प्राइम करना है, कोई भी कंसीलर लगा लीजिए जो आपके पास अवेलेबल हो, उसे ब्रश से ब्लेंड कर लीजिए। देन उसके बाद उसे पाउडर से सेट कर लीजिए, क्योंकि क्रीजिंग हो सकती है आपके आईलिड्स पे भी। उसके बाद मैं अपने आई कलर के लिए सिर्फ एक ही कलर का यूज़ कर रही हूँ, ये पिंक और रेड को मिलाकर मैंने शेड बनाया था। आपका जो भी आउटफिट हो या आपको जो भी कलर पसंद हो आप वो अपने आई लिड पे लगा सकते हैं। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप उसे फिंगर की हेल्प से भी लगा सकते हैं, या जो क्यूपिड होता है जो जिसे हम कान खुजाते हैं वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। बस आपको आपके एजेस को ब्लेंड करना होगा। देन उसके बाद यहाँ पर मैं विंग्ड आईलाइनर क्रिएट कर रही हूँ। वैसे तो मैं बहुत ही अब विंग्ड आईलाइनर लगाती हूँ, बट मुझे लग रहा था कि मैं लगाऊँ इसलिए मैंने लगा लिया था। देन उसके बाद मैंने ये फॉल्सेस से पहले मस्कारा लगाया है। अगर आपको फॉल्सेस नहीं पसंद है या लगाना नहीं आता तो आप स्किप भी कर सकते हो। देन यहाँ पर प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लोटस का इको स्टे प्राइमर। आपके पास अगर प्राइमर नहीं है, आप बिगनर हो, तो आप एलोवेरा जेल को भी यूज़ कर सकते हो एज अ प्राइमर, वो भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है। देन फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन, और मेरा शेड है टॉफी पीकन। सो हम डस्की स्किन गर्ल्स के लिए कोई भी फाउंडेशन शेड अवेलेबल नहीं होता है, चाहे वो इंडियन मार्केट हो या मतलब बाहर का हो। बीबी क्रीम तो मतलब बिल्कुल भी नहीं मिलता है, उसमें सिर्फ गोरों के लिए और मीडियम स्किन टोन के लिए ही मिलता है, हमारे लिए नहीं है। तो मैं यहाँ पर फाउंडेशन ही यूज़ करती हूँ। अगर आप फेयर स्किन टोन के हो, मीडियम के हो, तो आप अपने कलर का बीबी क्रीम भी ले सकते हो, उससे भी आपको काफ़ी अच्छा और मतलब लाइट वेट इफ़ेक्ट मिलेगा। सो आपको उसे एक ब्रश की हेल्प से या ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लेना है। आप अपने हाथों से भी ब्लेंड कर सकते हो। देन सारे जो आपने क्रीम लगाया है उसे आपको ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी होगा, नहीं तो क्रीजिंग होने के चांसेस है। और अभी जैसे कि गर्मी है तो आपको आपके पाउडर को मतलब फाउंडेशन को पाउडर से सेट कर लेना है। आपके पास जो भी पाउडर अवेलेबल हो उससे सेट कर लो, चाहे वो पॉन्ड्स पाउडर ही ना हो, क्यों ना हो। देन उसके बाद मैंने अपने मेकअप को सेट किया था मेकअप फिक्सर से। अगर वो भी आपके पास नहीं है तो आप लगा सकते हो रोज़ वाटर। देन अपने फेस को मैं ब्रॉन्ज कर रही हूँ। अगर आपके पास ब्रॉन्जर नहीं है तो आप कोई भी ब्राउन शेड से अपने फेस को एक डायमेंशन दे सकते हैं। देन ब्लश के लिए आप कोई भी ब्लश लगा सकते हो। मैंने यहाँ पर थोड़ा मॉवी कलर का ब्लश लगाया था। अगर आपके पास ब्लश नहीं है तो आप अपने आई शेडो में से पिंक कलर या रेड कलर लगा सकते हो। देन उसके बाद मैं यहाँ पर हाइलाइटर थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको मैट पसंद है आपका फेस तो आप इसे स्किप कर दीजिए। और अपने इनर कॉर्नर पे भी मैं लगा लूँगी थोड़ा सा। इससे क्या होता है कि आपकी आँखें बड़ी लगती है और आपके ब्राउ बोन पे भी आपको लगाना है। देन काजल मैं लगा रही हूँ, हमारा इंडियन मेकअप बिना काजल के तो पूरा नहीं होगा। देन उसे मैं थोड़ा सा स्मच कर रही हूँ ताकि मुझे थोड़ा स्मोक आउट इफेक्ट मिले। देन जो मैंने क्रीज पर शेड लगाया था
उसी को ही लेके आपको काजल के नीचे ब्लेंड करना है ताकि आपके ऊपर का कलर और नीचे का कलर आपका आई मेकअप एक जैसा लगे, मतलब बैलेंस लगे। देन लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी डार्क रेड लिपस्टिक लगाई है, मुझे मन हो रहा तो मैंने लगा लिया। वैसे आपका जो भी आउटफिट हो, पिंक हो, कोई भी हो, आप न्यूड पे भी लगा सकते हो, जा सकते हो, सो ये टोटली आपके ऊपर है। सो उसके बाद मैं फिर से मेकअप को अपने पूरे सेट करूँगी एक बार और मेकअप फिक्सर से, तो आप फिर से रोज़ वाटर यहाँ पर लगा सकते हो। सो फाइनली ये मेकअप टर्न आउट हुआ है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।